नमस्कार, मैं पूंजी और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए कौशल के साथ रोजगार मुहैया कराया शानदार योजना। देश की सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी। सफाई कर्मचारियों की हाजिर लगाने वालों की एनसीएफ कार्यालय में मीटिंग ली गई। सभी लोगों ने आज से सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने की शपथ ली। बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय सरकार युवाओं की नौकरी देने के नाम पर मजाक कर रही सरकार। देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। किसानों के लिए सीएम खट्टर का ऐलान। करनाल में सीएम आवास का घेराव करने से रोकने पर भिड़े दोनों पक्ष। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पहुँचे बातचीत करने। भगवान विष्णु की अष्टधातु की मूर्ति हुई गायब। दोषी गांव में स्थापित बेशकीमती प्रतिमाएं और 3 लड्डू गोपाल हुए चोरी। 5 पर FIR। कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 दहशतगर्द मारे गए। नोएडा में 1,65,000 फ्लैट्स पर काम ठप। फ्लैट्स बुक करवाने वालों के पैसे फंसे। पानी की तेज धार से बम को निष्कर्ष कर देता है ये भारतीय रोबोट। बचाता है जवानों की जान। नाम है मिनी दक्ष। अमेरिकन नेवी का एक जहाज अब तक के सबसे गहरे पानी में ढूंढ निकाला गया है। अमेरिकन नेवी का युद्ध में इस्तेमाल होने वाला नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस सैमुअल डी रॉबर्ट्स है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी डूब गया था। नेपाल में काठमांडू घाटी में पानीपुरी की बिक्री पर बीमारी को देखते हुए लगाया बैन। घाटी में हैजा यानी क्लोरिया के मामले बढ़ गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन के मेजबान जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीकी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में समन भेजा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक संजय राउत कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दे देंगे रैली का हवाला। शिंदे गुट ने एससी में लगाई नई अर्जी। महाअघाड़ी सरकार पर हमला। 163 पत्रों की याचिका में संजय राउत ने विभिन्न बयानों का जिक्र किया। गुजरात के एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को बीजेपी में शामिल होने के लिए नियम बताए, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सिंधू मूसेवाला हत्याकांड के बाद तिहाड़ में सख्ती। कुख्यात गैंगस्टर की बदली जा रही है जेल। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने इस बात की जानकारी दी। ओडिशा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। AK-47 के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। ब्लॉगर रितिका सिंह का हुआ मर्डर। पत्नी के गले से फंदा और हाथ से रस्सी निकालते देखा गया आरोपी पति। कपिल का वैंकोवर कॉन्सर्ट रहा हाउसफुल। मूसेवाला को दी खास श्रद्धांजलि। भारती सिंह ने दिया DID सुपर मॉम्स के लिए ऑडिशन। जमीन पर लेट लेट कर किया नागिन डांस। उर्फी जावेद ने सड़क पर फेंका फोन। सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ ऐसा हाल। गुजरात की कंपनियों ने 2022 में दिखाया दम। बाजार की गिरावट में दे दिया 167% का रिटर्न। जोमेटो का शेयर दे सकता है 100% रिटर्न। ब्लिंकिट के अधिग्रहण के मुनाफे सुधारने का अनुमान। STFC, इकर मोटर्स और PVR सहित शहरों में दिखा ब्रेकआउट। 3 से 4 हफ्तों में दे सकता है 13% तक रिटर्न। आज की खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज NCR।